नमस्कार, न्यूज आफ्टर में आपका स्वागत है। अभी इस वक्त हम रामनगर ग्राम पंचायत में खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट प्रधान जीते हैं। इंडिपेंडेंट से ही आपका समिति मेंबर जीते हैं और कुछ मेंबर्स भी इंडिपेंडेंट के जीते लिए जानते हैं। अभी हमारे साथ में मौजूद है, तो आपको बताना चाहेंगे कि प्रधान का नाम जो है मिथुन दास है, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और जीत हासिल की है। आज उनकी शपथ भी ले चुके हैं। वैसे में उनके साथ में यहाँ बैठी हुई है रेबा रानी जी, जो कि समिति मेंबर में जीत हासिल की है, ये भी जो है इंडिपेंडेंट में जीत हासिल की है। वैसे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके। पहले सबसे पहले हम लोग प्रधान से बात करेंगे कि आने वाले दिनों में 5 साल में ये क्या क्या काम करेंगे। देखिए मिथुन जी, आप काफ़ी यंग हैं, पहली बार जो है आपने PRA मेंबर बने प्रधान बने हुए, तो वैसे में आप गांव के लोगों के लिए क्या काम करना चाहूँगा? देखिए, मैं सबसे पहले आपकी जो PDF पसंद है और आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने रामनगर एक इतना दूरदर्शी एरिया है, वहाँ पे आप चल के आए हैं। हमारा जो दिशा है, हमारा जो मिशन को आप सामने लाने के लिए, इसलिए तहे दिल से मैं पूरे पंचायत बॉडी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। बॉबी जी, हमारा रामनगर में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। देखिए, हर जगह में कांग्रेस BJP या फिर निर्दलीय के आपस में मतभेद रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, लेकिन रामनगर से आज एक ऐसा मैसेज पूरे विश्व को जाएगा कि जहाँ पे हमारे पास 4 BJP के भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं और 3 कांग्रेस के मेंबर हैं और 1 हमारा निर्दलीय मेंबर है। साथ ही साथ समिति मेंबर हमारा निर्दलीय प्रार्थी है, मैं खुद निर्दलीय प्रार्थी हूँ, लेकिन हम लोग जात पात, रांची बंगाली बोलिए या फिर BJP कांग्रेस बोलिए, कुछ भी हो, मतलब दलों को छोड़ करके आज रामनगर में एक एकजुट आई है और एक एकता का लहर रामनगर में आया है। तो हमारा सबका उद्देश्य है, पूरे गाँववासी का। इवन मैं आप सबसे एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो पंच गठन हुआ है, जो सरपंच है, प्रधान है, ये हमने सब इलेक्शन का जगह पे सिलेक्शन कर दिया है। मेजोरिटी देखेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी का बहुत बड़ा है या मेजोरिटी है, लेकिन हम लोग सोचे कि गांव में सबसे पहला जो हमारा मकसद है, गांव में एकता रहेगी तो विकास ऐसे ही चल करके हमारे पास आएगा। तो हमारा आने वाला दिन में काम ऐसा होगा सर कि हम सब एक साथ बैठ करके एकजुट होकर के जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए प्रधान अकेला प्रधान नहीं है, और हमारे गांव में आप कहना चाहेंगे या फिर हम कहते भी हैं कि हमारा जो गांव में प्रधान सिर्फ एक नहीं है, प्रधान है 9, 8 मेंबर है 8 वार्ड का, हर एक वार्ड का खुद प्रधान है। अभी 6 नंबर वार्ड पकड़ लीजिए, उनका प्रधान है वार्ड का। तो मैं जो वार्ड नंबर में आता हूँ, 9th नंबर में, तो मैं जो प्रधान हूँ एज ए एक्स्ट्रा प्रधान हूँ और मैं एक्स्ट्रा प्रधान की सबसे ही काम करूँगा। बाकी 8 मेंबर जो है वो सिर्फ सदस्य नहीं है, पूरा गांव का प्रधान है। तो उसी क्वेश्चन से हमारे गांव में भी 9 प्रधान हुआ है, सब मिलकर के एकजुटता में हमारा सरकार बना है। और आने वाले दिन में हमारा सबसे पहला जो फोकस होगा, क्योंकि इतने सालों से हमने गाँव में बहुत चीज़ पाया नहीं है, लास्ट ईयर हमारे पास आदर्श गांव भी था। सबसे पहले एक करके हम लोग क्लियर कर लेते हैं जी, जो आप पंच गठन किए जी, तो वैसे में प्रधान जो आप गठन किए हैं तो वो कौन बने हैं, कौन जीते हैं? प्रधान बने हैं हमारे INC के कैंडिडेट श्री महिमा रंजित खलको जी, और इनको हमारा BJP कांग्रेस निर्दलीय के सभी सदस्य, हम यहाँ पे कोई पार्टी की बात नहीं करेंगे, गाँववासी मिल करके पूरा जनता के साथ एकदम ओपन साथ में बैठ करके हम लोग तय किए हैं वो प्रधान। और सरपंच जो है हमारे निर्दलीय प्रार्थी है श्री अरुण विश्वास दादा जी, ये बने हैं सरपंच। और INC के मेंबर श्री नमजन बल्ला जी, इनका अपना योगदान है, 10 साल का एक्सपीरियंस है राजनीति में, रामनगर में उनका योगदान था, उनको दिया है हमने उप सरपंच का। और ये चीज़ शांति भाव से एकता को मद्देनजर रखते हुए आज हमने सबने शपथ भी लिया है, कोई किसी के दिल में कोई दुख नहीं है, हम सब एकजुटता माने हैं। और ये 5 साल बरकरार रख पाएंगे? बिल्कुल, ये तो बहुत भरोसा है, बरकरार रख पाएंगे और आशा भी करते हैं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद स्वरूप दोनों हाथ हमारे पंच के सर पे है। और अगर आप पूछेंगे कि ये हमारा पंच आने वाले दिन में क्या करेंगे, तो ऐसे ही प्रधान, एक्स्ट्रा प्रधान जो मैं हूँ, तो हमारा कोशिश रहेगा कि एकता को बरकरार रखते हुए, भाईचारा को बरकरार रखते हुए, हमारा गांव में बहुत सारी समस्या जो है बेसिक एमिनिटीज है, जैसे कि रोड का इश्यूज है और हमारे पास पानी का एक दिक्कत होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक इशू है, तो जो बेसिक एमिनिटीज को फर्स्ट फोकस रहेगा। साथ ही साथ हमारा गाँव में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, लेकिन भगवान का देन है कि रामनगर में इतना हरियाली है, और आप जब जाएंगे ना, एक साइड से निकलेंगे, जो बचपन में सुने थे कि पृथ्वी गोल है, तो उसका एक उदाहरण आप यहाँ से शुरू करिए, वापस घूम के आइएगा और चारों तरफ हरियाली है, तो रोड का कनेक्टिविटी अच्छा हो जाएगा, तो टूरिज्म का जो सेक्टर है, हमारा पूरा पंच का ये उद्देश्य है कि टूरिज्म सेक्टर को हम लोग रामनगर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अंडमान निकोबार के एडमिनिस्ट्रेशन भी रामनगर में फोकस कर रहे हैं, और उनके सहयोग के साथ आने वाले दिन में टूरिज्म के ऊपर काम करेंगे,
ताकि जो युवा पीढ़ी है उनको एक रोजगार मिले। ये अभी पंचायत में जो है कुछ लिमिटेड फंड ही आते हैं, ये आपको भी मालूम है। वैसे में आप बोले कि सभी प्रधान हैं और आप क्या एक्चुअली देखा जाएगा तो आप एक्चुअली देखा जाएगा तो आप प्रधान हैं, बाकी सब वार्ड मेंबर अपना एरिया से जो जो काम लेके आएंगे आप उसको काम करेंगे मिलजुल के। आपका कहना यही है कि हम लोग जो भी काम करेंगे मिलजुल के करें, मगर सवाल ये आता है कि वो फंड से क्या अंडमान सॉरी इसका आपका रामनगर पंचायत का काम हो पाएगा, क्या लग रहा है? जी देखिए, फंड का जो इशू है, फंड के इशू के लिए हमारे ऊपर में एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा आशीर्वाद और हाथ रहना होगा। और जहाँ तक है कि जैसे हाल ही में हमारा बिफोर पंचायत बनने से पहले एक श्रमदान करे थे, एक रोड जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में गया है, उनका कुछ ऑफिशियल पर्पज़ के पीछे 3 साल से डिले हुआ है, जिसके कारण से आज रामनगर में बस नहीं चल रहा है जो मेजर रूट है। स्कूल बच्चे 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर चल के आ रहे हैं। तो हम पंच में आने से पहले ही हम कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट किए, डायरेक्टर आरडी से भी हमारा बात हुआ है, उनका भी हमारा ऊपर एक योगदान है, सेक्रेटरी आरडी के पास भी खबर गया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीआरए के पास भी खबर गया है। तो कुछ प्रोसेस है, उनके जरिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका काम हो। फंड का जो लिमिटेशन है, आज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एकता, क्योंकि सर कुछ कुछ जगह में फंड हमें ना भी मिले या फिर मिलने में देरी हो, मिलेगा तो ज़रूर, यूसी जब क्लियर जाएगा तो ज़रूर सरकार हमें साथ देंगे। और जहाँ पे कुछ कुछ काम देखेंगे कि फंड के कारण से नहीं हो रहा है, ये जो एकता का सरकार है रामनगर में, गांव वाले के साथ में हम लोग एकजुट मिल करके जो श्रमदान पहले करे थे उसको कंटिन्यू करेंगे करके जो लोगों को ताकि लोगों को असुविधा ना हो और सुविधा आगे बढ़ते रहे। बाकी बड़े बड़े ब्रिज रोड जो तो हम नहीं सकेंगे, लेकिन वो रोड को जाने में अगर कुछ दिन में कहीं गड्ढा हो गया उसको भरने में थोड़ा मदद करेंगे। तो इसीलिए एकता का सरकार कोशिश करेंगे, आज जो पंच गठन हुआ है इसको 5 साल बरकरार रखेंगे, रख के गाँव वाले के चरणों में हम लोग सेवा करने। आपके लिए और एक चुनौती है क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, किसी तक कोई पार्टी के साथ में अभी तक गया नहीं, वैसे में एक्स्ट्रा फंड लाने में आप सफल रहेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, जो एक्स्ट्रा फंड का बात कर रहे हैं, मैं जो समझता हूँ छोटा जो दिमाग है मेरा, कि देखिए पंचायती राज में कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि पंच कितना मजबूत है। और आज आप देख सकते हैं कि आज पंच हमारा रामनगर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि 4 BJP का कैंडिडेट है, 3 कांग्रेस का, 1 इंडिपेंडेंट। आज तो यहाँ पे तोड़ मोड़ होना चाहिए था शपथ में, लेकिन हमारे अंदर इतना भाईचारा है, एकता है, तो ये ताकत हमारा जो है इसको हम लोग किसी का विनाश में नहीं, गांव का विकास में हम लोग उपयोग करेंगे। और मुझे यहाँ तक पता है कि जो सरकारी कार्यालय है, जो हर एक सरकारी कार्यालय, चाहे LG साहब का बात करिए, CS साहब का बात करिए, AC साहब, DC साहब या फिर डायरेक्टर PR, सबका एक उद्देश्य रहता है, इन लोग भी सेवा करने के लिए बैठे हैं, हमारा सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। तो इनके साथ हमारा मुलाकात होगा, बातचीत होगा, उनका मार्गदर्शन लेते हुए हम आगे में फंड का एक्सेसिव जो भी है डिमांड रखेंगे। और मुझे बहुत भरोसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा नया पीढ़ी का नया जनरेशन को साथ जरूर देंगे। सर जैसे कि यहाँ पे जो बीच है रामनगर बीच, जिसको सभी रामनगर बीच के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छा बीच भी, बहुत बड़ा भी है, और वैसे इसको टूरिज्म के लिए आप क्या सोचे, क्या प्लान किए? जी बिल्कुल सर, देखिए हमारे यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो कि लास्ट 5 ईयर्स आदर्श गाँव में प्लान होना चाहिए था, कुछ कारणवश हम लोग नहीं कर पाए, कि आप देखिए सर हमारे पास एक बहुत बड़ा एक यूनिक चीज़ है रामनगर बीच में, जो नवंबर दिसंबर के आसपास जो हमारा जो टॉर्टाइस का जो एक व्यू रहता है, उसमें हम बड़े बड़े लोग या फिर खुद जो पॉलिटिशियन हैं, इन लोग तो जाके व्यू करते हैं, बट उनको हमें ध्यान देना है कि उनका भी नेचुरल जो चीज़ कुछ डिस्टर्ब नहीं होना। लेकिन साथ में हम लोग जो बड़े बड़े टावर रखे हैं, अगर वो टावर में अगर हम लोग दूरबीन सिस्टम कर देंगे, अगर एक पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना देता है कि जो टाइमिंग होता है, देखिए उनका तो गारंटी नहीं दे सकते, जैसे कि बाराटंग में जो भी गेस्ट आता है जरवा देखने के लिए आता है, कोई ट्रैवल एजेंट, मैं खुद भी एक ट्रैवल एजेंट का काम करता हूँ, कोई गारंटी नहीं देता कि आप आदिवासी को देख सकते हैं, तो एक तीर्थ स्थान जैसा किस्मत रहेगा तो भगवान दर्शन हो जाएगा। तो आने वाले दिन में रामनगर बीच में उनका हम लोग फोकस कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के साथ बैठ करके, कि हम लोग दूर से हट बनाएंगे ताकि उनका जो प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब नहीं होना टॉटर्स का, और साथ में हमारा गेस्ट जो बाहर आते हैं इसी चीज़ के लिए रामनगर में आना सबसे पहला उद्देश्य होगा। दूसरी बात है सर, हमारे रामनगर बीच बहुत सुंदर है और यहाँ पे बहुत सारे केव्स वगैरह है, आने वाले दिन में टूरिज्म डिपार्टमेंट के सहयोग के साथ इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि रामनगर को और हाईलाइट करें। ऑलरेडी रामनगर में गंगा पूजा होता है सर, जो अप्रैल महीने में होता है, उसमें भीड़ होता है, अभी नया साल में भी भीड़ होता है। तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सब बात करके परमानेंट हट तो नहीं बना पाएंगे, तो ठेला गाड़ी को भी हम लोग अंदर लेने की कोशिश करेंगे, और इस पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सहयोग चाहिए। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि अभी बार बार हम इसलिए आपसे बात कर रहे हैं, ये कोई प्रश्न उठा रहा है क्योंकि आप एक युवा हैं, बाकी जितने युवा हैं आपसे बहुत ज़्यादा
उम्मीद करके बैठे होंगे, और वैसे में आप सबको पता है कि पूरा अंडमान नहीं पूरा देश भर में जो है बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, वैसे में उनके लिए क्या आप प्लान किए हैं? उनके लिए मेरा यही प्लान है कि सबसे पहला सर फोकस रहेगा हमारा रामनगर बीच को डेवलप करने के लिए, सारा एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करके उनके सहयोग से बीच डेवलप होगा, टूरिस्ट का आना जाना होगा। और देखिए गवर्नमेंट जॉब तो सबको देना, भारत सरकार इवन मोदी साहब के पास भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन जो है कि लोकल फॉर वोकल को हम लोग बढ़वा देंगे, और यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हम लोग जितना ज़्यादा कर सकते हैं पंच काम करेगा, ताकि आज अगर 100 अगर सालाना अगर 100 गेस्ट आता है तो इसको हम लोग 1000 तक करने की कोशिश करेंगे, ताकि गांव में हमारे पास बहुत सारे नेचुरल चीज़ है, जैसा कि कुछ फल हो गया एकदम जो कि खाद से बनता नहीं है, तो चीज़ अगर हम बेचते भी हैं तो हमें एक एक रेवेन्यू मिलता है और इकोनॉमी बढ़ेगा। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट के लिए फर्स्ट और लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है रामनगर बीच को टूरिज्म पर्पज़ के लिए इको टूरिज्म के बेसिस पे हमें बढ़ाना है, इसी में हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा और इसी में युवा का साथ हम देंगे। अब बेरोजगारी का बात हो गया, वैसे में आप भी चीज़ फेस किए होंगे कि जब भी पंचायत में कोई काम आता है तो मैक्सिमम काम जो है आपका सोसाइटी में जाता है, तो वैसे में सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी सिर्फ नाम का सोसाइटी रह गया, कहीं ना कहीं जो है कॉन्ट्रैक्टर उसमें जो है काम करते हैं और जितने बाकी मेंबर्स हैं उनको काम नहीं मिलता, उसमें क्या ध्यान, उसमें क्या स्टेप उठाएंगे? देखिए जहाँ तक आप सोसाइटी की बात आप जब छेड़ा है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो देखिए सोसाइटी बनता है 10 के लिए, ठीक है, अब ये हमारा निर्देश रहेगा सोसाइटी, हम जैसे पंचगठन मंडे कर रहे हैं, इसके बाद कंटिन्यू 30 दिन तक हमारा बहुत सारा मीटिंग हुआ सोसाइटी के साथ, युवा के साथ, महिला के साथ। तो जो आपने छेड़ा है बात सोसाइटी का, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग सोसाइटी में क्या करते हैं गलती, कि जैसा सोचिए अगर कोई सोसाइटी है तो उनका सेक्रेटरी प्रेसिडेंट पर्टिकुलरली काम करते हैं, तो अभी उनका अंदर में अपना कभी काम किसी और को दे भी देते नहीं, बिल्कुल वो क्या है सोसाइटी में हम इसीलिए बात नहीं कर सकते बिकॉज उनका बायलॉस अलग है। वो जैसे कि आज देखिए पंचायत में हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग में बैठे हैं, बीजेपी कांग्रेस नहीं देखे हैं, तो हम उसको ये सोसाइटी के ऊपर में उंगली नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी 10 का बना है, अगर किसी का मेंबर के साथ कोई गलत हो रहा है तो उनके लिए उनका चैनल हुआ है, RCS ऑफिस है या फिर असिस्टेंट कमिश्नर है, वहाँ पर जाके वो अपना उद्देश्य मतलब अपना कंप्लेन कर सकते हैं। पंचायत का उनके अंदर में जो हो रहा है उनमें तो हमारा कोई भी हाथ नहीं जाएगा उनसे, सोसाइटी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो वैसे में अगर 10 मेंबर्स अगर उतर के काम करेंगे, चाहे उसमें आप मान के चलिए अगर सोसाइटी एक्चुअली बनाया इसलिए गया था कि गांव के लोगों को बच्चों को खास करके जो है रोजगार मिल सके, वैसे में उसमें जो है आपका एक कारपेंटर होना चाहिए, उसमें आपको मिशन मिस्त्री होना चाहिए, लेबर भी उसी में होना चाहिए, बाहर का आदमी को लेके नहीं काम करना है, वही मेंबर्स को लेके ही काम करना है, उसके लिए बनाया गया था सोसाइटी, तो उसको आप क्या ध्यान देंगे या नहीं देंगे? देखिए आपने जैसा बताया कि पहला बात तो मेरे नॉलेज में जितना भी रामनगर सोसाइटी है बाहर के मेंबर शायद दिक्कत उक्का कोई रहेगा, और दूसरी बात है सर सोसाइटी का जो काम है, जैसे कि हमारा सबसे बड़ा दुख की बात क्या कि लास्ट 2 से 3 साल हमारा सोसाइटी सिर्फ ऑडिट ऑडिट चल रहा है, बाकी हमारा जो भी टेंडर कॉल में ज़्यादा जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि सोसाइटी हमारे गांव में से 10 सोसाइटी है तो 10 × 100 एम्प्लॉयमेंट है, उनका अंडरस्टैंडिंग में जो भी बनता है काम उनको रोस्टर में दिया जाए काम, इससे उनको हम मदद करेंगे, और जो कानून के हित में ना हो बड़ा कोई फंड है तो डेफिनेटली टेंडर में जाएगा, और अभी जो भारत सरकार का निर्देश के हिसाब से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ सोसाइटी भी टेंडर कॉल में जा सकता है, एक नया रूल निकला है। और आपने जैसा बताया मैं ये युवा साथियों को मैं निवेदन करूँगा, उनसे मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग और भी नया सोसाइटी बनाइए, लेकिन सोसाइटी का जो रूल्स रेगुलेशन ऐसा रखिए जैसे कि हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं जो भी बैंक चलाते हैं, कि 10 लोग हैं अगर काम भले 1 रुपया का मिले 10 लोग कंट्रीब्यूट करके करिएगा, और 1000 लाखों का भी मिले आपस में कंट्रीब्यूट करिए, उसमें फ़ायदा क्या होगा पर्सनली कोई कॉन्ट्रैक्टर को अपना प्रेशर नहीं आएगा, 10 सोसाइटी का लाभ हो या फिर हानि हो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये नया सोसाइटी को मैं एक आवेदन करूंगा, निर्देश करूंगा कि आप लोग आए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।